नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसासोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मन्नत एंटरप्राइज, हमजा कलेक्शन, क्लाक कलेक्शन, सुप्रीम गारमेंट, सुप्रीम गारमेंट, ग्लोबल वॉलपेपर, ग्लोबल वॉलपेपर, मोमो मैजिक कैफे, मोमो मैजिक कैफे। आज यानी बरोज इतवार आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आलोचना हॉल में बज़्म मिराज व नवाज पब्लिकेशंस के ज़ेरे एहतमाम तीन किताबों की रस्में रुनुमाई की गई, जहां गज़ल नामा, मनाजिर आशिक, हरगानवी के फिक्शन तजज्जे और नसर पारे जैसी किताबों को पेश किया गया। और इस बज़्म की सदारत डॉक्टर एहसान साकिब ने अंजाम दिए, वहीं नकाबत के फराइज इम्तियाज़ अहमद अंसारी ने अदा किए। इस पर रौनक बज़्म में और भी कई चमकती दमकती शख्सियतें मौजूद थीं, जिनमें डॉक्टर साबरा खातून हिना, नज़ीर अहमद यूसुफी, मोहम्मद इजहार आलम, डॉक्टर फारूक आजम, अशरफ अहमद जाफरी, इंजीनियर खुर्शीद गनी खास पेश रहे। इस खास मौके पर डिप्टी मेयर वसीमुल हक और डॉक्टर इशरत बेताब और मिराज अहमद मिराज ने मजीद जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। मैं रोज़े अज़ल से इन किताबों की रस्म नुमाई है बज़्म मेराज और नवाज पब्लिकेशन के ज़ेर एहतमाम। पहली किताब है जनाब मेराज अहमद मेराज की तरतीब एडिटिंग के हैसियत से गज़ल नामा, वो जनाब नज़ीर अहमद यूसुफ़ी पर एक खासूसी गोशा है। दूसरा है मनाजिर आशिक हरगानवी के फिक्शन पर मेरी किताब यानी इशरत बेताब की तरतीब में, और तीसरी किताब है बच्चियों के फिक्शन पर नसर पारे, न्यू जनरेशन की बच्चियां जो लिख रही हैं उसमें हम बूढ़ों की भी कहानियां हैं ताकि बच्चों की सरपरस्ती हासिल रहे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में निगरान हैं हमारे वसीमुल हक साहब डिप्टी मेयर और गुलाम सरवर साहब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू रेल पारसाख, सदारत जनाब एहसान साकिब साहब के हैं और साहब किताब का एजाज़ जो है वो नज़ीर अहमद यूसुफ़ी के नाम है। नकीब हमारे आसिम शाहनवाज सिबली कलकत्ते के हैं, अभी ट्रेन में हैं। मेहमान जीवाकार के हैसियत से जनाब इजहार आलम साहब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर हैं, और मेहमान जीशान में डॉक्टर फारूक आजम साहब सदर सूबे उर्दू गर्ल्स कॉलेज हैं, और साबरा खातून हिना रानीगंज कॉलेज के मेहमान जी हैसियत के हिस्से से कलकत्ते से तशरीफ लाए मोहतरम अशरफ जाफरी साहब हैं, और मोहतरम इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब आसनसोल के, खालिक अदीब मास्टर इम्तियाज़ अहमद अंसारी और इम्तियाज़ अहमद राशिद ब्रैनपुर हमारे मेहमान शामिल हैं। जनाब प्रोग्राम के मदई में जनाब सॉरी मोहतरमा शगुफा तमन्ना और साजिया फख्र का नाम है, और आगे मेराज साहब कुछ कहेंगे। आज की जो तकरीब है बज़्म मेराज और नवाज पब्लिकेशन की जानिब से, हमारा मकसद यही होता है कि हम नई पौध की आबियारी करें, नई नस्ल को ज़्यादा हौसला दें ताकि ये जो शेर व अदब का मैदान है वो खाली ना रहे और इसमें नए लिखने वाले आगे बढ़ते रहें, और इसी आबियारी का जो सिलसिला है इसकी एक कड़ी आज हम देख रहे हैं इस तकरीब की सूरत में। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि जैसे ये इजरा अमल में आए एक भरपूर ताली जरूर हो जानी चाहिए, और ये देखिए गज़लनामा का इजरा हुआ जनाब इजहार आलम साहब के हाथों,
और जिनके लिए किताब लिखी गई है जहाँ पे अलहाज नजीर अहमद यूसी साहब और जिन्होंने इस किताब की तरतीब दी है वो भी मेरा साहब। इनके अलावा देखिए डॉक्टर फारूक आजम साहब ने वो किताब नसर पारे जिसकी तरतीब और तहजीब दोनों डॉक्टर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बनपुर कालाझरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर, लावागंती पाइपलाइन रोड, प्लॉट फोर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250259567। एक मोमो लवर और खाना चाहते हैं मोमो की अलग अलग वैरायटीज, तो अब आपके शहर आसनसोल में आ गया है मोमो मैजिक कैफे, जो मोमो लवर्स के लिए लेकर आया है मोमो की 36 वैरायटीज। स्टीम एंड फ्राइड मोमोज के अलावा तंदूरी मोमो, पिज्जा मोमो, अफगानी मोमो जैसे मोमो की एक से बढ़कर एक वैरायटी। मोमोज के अलावा हमारे यहाँ देसी चाइनीज मॉकटेल एंड शेक का लुत्फ उठाए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आज ही हमारे मोमो मैजिक कैफे आए, द मैजिक ऑफ टेस्ट। हमारा एड्रेस है नियर श्यामा इलेक्ट्रिक, हाटन रोड, आसनसोल। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव स्वरूप सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो की है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ, नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की facilities उपलब्ध है, जैसे emergency 24/7, modular OTs, ICU, NICU, HDU, pharmacy 24/7, daycare unit, dialysis unit, dental unit, diagnostic and pathological service, with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कॉर्पेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए, हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। कई मीडिया पार्टनर्स भी मौजूद हैं और इन मीडिया पार्टनर्स का ताल्लुक सिर्फ उर्दू अदब से नहीं है या उर्दू जुबान के चैनल या उर्दू जुबान के अखबारात से नहीं है, बल्कि गैर उर्दू वाले भी यहाँ मौजूद हैं। ये उर्दू की मोहब्बत, उनकी मोहब्बत और हमारे आज के जो बज़्म के रूह रवा है उनकी मोहब्बत है। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे दरमियान अगर बात की जाए प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया की दो मशहूर शख्सियतें यहाँ तशरीफ फरमा हैं। पहली शख्सियत अखबार मशरक के जनाब रियाज उत्कली साहब, जो बज़ाहिर खुद बजाते खुद एक अच्छे अफसाना निगार भी हैं। तो रियाज उत्कली साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, एक तालीम के लिए जरूर बजा दी जाए। इनके अलावा राष्ट्रीय सहारा के नुमाइंदा खसूसी जनाब वजीउद्दीन जमाल साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, एक तालीम जमाल साहब के लिए जरूर बजे। इनके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो आसनसोल में जो न्यूज चैनल्स हैं उन चैनलों में जिस चैनल ने बड़ी तेजी के साथ अपना मकाम बनाया है, मेरी मुराद खबर आसनसोल है और खबर आसनसोल के रूहनुमा निशात अहमद दीवाना भी है। इनके अलावा एक और चैनल जिन्होंने उर्दू हिंदी बंगला तीनों में अपनी मुनफरद पहचान बनाई है, इनके अलावा एक अखबार को भी वो शायर कर रहे हैं, मेरी मुराद आसनसोल टाइम्स के रूह रवा जनाब बिरजी सिलाई साहब। बिरजी भाई के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि उर्दू से मोहब्बत रखने वाली एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा मीडिया पार्टनर जो उर्दू के प्रोग्रामों में यकीनी तौर पे बड़ी, मैं कहूँ कि बहुत खुशी के साथ शिरकत किया करते हैं, हालांकि उनकी जुबान, उनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं, लेकिन जब आप उनसे उर्दू सुनेंगे तो आपको ये तमीज़ करना मुश्किल हो जाएगा आया ये किसी गैर उर्दूदान की जुबान है या एक अच्छी उर्दूदान की जुबान है। मेरी मुराद जनाब बापीदा प्रेक्ष बहरा के साथ। इनके अलावा हमारे दरमियान मेघदूत भाई भी तशरीफ फरमा है, अभी थे वो, शायद एक ताली उनके लिए जरूर बजा दी जाए। और आसांजा गुनवान है अशरफुल मखलूका। आंटी मेरी बहन बहुत भूखी है, इसे दूध पिला दो। दीदी मेरी बहन बहुत भूखी है, इसे थोड़ा सा दूध पिला दो। दीदी देखो ना ये भूख से कितना रो रही है, आप इसे दूध पिला दो ना, मेरी माँ नहीं है, आप इसे दूध पिला दो ना। सड़क पर 5-6 साल का बदन पर सड़क पर 5-6 साल का लड़का बदन पर पुराने फटे कपड़े अपनी गोद में 6-7 माह की बच्ची को लिए हर आने जाने वाली औरत का दामन थाम लेता और बच्ची को दूध पिलाने की इल्तिजा करता। कोई डांट कर तो कोई मजाक और कोई हमदर्दी का इजहार करके अपना दामन छुड़ा लेती। बच्ची मुसलसल रोई जा रही थी और लड़का सड़क के किनारे खड़े होकर सबसे इल्तिजा कर रहा था। लड़के की नज़र सड़क के किनारे कुछ दूरी पर खारिश गदा कुतिया पर पड़ी जो अपने पिल्लों को दूध पिला रही थी। इसी के थन से लड़के ने अपनी भूखी बहन का मुंह लगा दिया। से अपनी दोस्ती की भीख मांग रही थी पर मैं कहाँ सुनने वाला था, मैं थक चुका था, बोर हो चुका था चाहत के इस रिश्ते से। उसकी कुर्बत से अब मुझे एक तरह की घुटन सी होने लगी थी, मैं बस किसी तरह उससे अपनी जान छुड़ाना चाहता था। उस भोली सी बेवकूफ सी महक को कब तक घोरता, आखिर आज मैंने उससे अपनी जान छुड़ा ही ली। अभी हफ्ते गुजरे ना थे, जुमा का दिन था, मैं नमाज जुमा अदा करके खाने से फारिग हुआ और अपने मोबाइल लेकर सामने सोफे पर बैठ गया। जैसे ही मोबाइल का डाटा ऑन किया मेरे इंस्टाग्राम पर एक अजनबी लड़की का मैसेज आया। ये देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। लड़की होकर खुद मैसेज कर रही है, चल भाई आज तो अपनी लॉटरी निकल आई। मैं खुशी खुशी दिल ही दिल बड़बड़ाया, फिर फौरन मैसेज का रिप्लाई दिया। थोड़ी देर गुफ्तगु की, बातचीत के दौरान मालूम हुआ उस लड़की का नाम नौशीन है। वाह नौशीन, वाह कितना प्यारा नाम है, नौशीन सजब। मैंने तारीफ कर थोड़ी सी पुल बांध दी। इस तरह हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अब मैं रोजाना
विलायत जाने के बाद साइमा बहुत उदास रहने लगी थी। कभी उबैद के ख्यालों में डूबे अपने पिछले दिनों को याद करती तो कभी उसके तसव्वुर में घंटों गुम हो जाया करती। साइमा बहुत ही नाजुक मिजाज और जज्बाती लड़की है जो अपने दिल के जज्बात औरों पर आया न होने देती। उधर उबैद के हालात भी कुछ अलग न थी, मगर मुलाजमत की मसरूफियत ने उसे इतना वक्त ही नहीं दिया कि वो ख्याल और तसव्वुर की खाक छाने। साइमा की मुलाकात उबैद से कॉलेज के दिनों में हुई थी, जहां दोनों एक ही साथ जेर तालीम थे। उबैद बिहार के एक गांव से पढ़ने के लिए आया था और साइमा इसी शहर की रहने वाली थी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये रिश्ता दोस्ती की सरहदों को पार करके मोहब्बत के हुदूद में दाखिल हो गई। दोनों ही ने अपने जज्बात को छुपाए रखा। उबैद का ख्याल था कि मैं अभी जेर तालीम हूँ, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँ, मैं जब उस काबिल हो जाऊंगा तब ही इजहार मोहब्बत करूंगा, क्योंकि कोई भी वालदैन अपनी बेटी का हाथ किसी बेरोजगार को नहीं देना चाहेंगे। साइमा उबैद के जज्बात से बिल्कुल नवाकिफ थी। उसे ऐसा लगता था कि उबैद उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता है, इसलिए साइमा अपने जज्बात का इजहार करने से डरती है कि कहीं ये दोस्ती का रिश्ता भी खत्म ना हो जाए। बस यही ख्याल दोनों को इजहार से रोकती रही। इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर गया और कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो गई। उबैद अपने गांव वापस चला आया और मुलाजमत के लिए कोशिशें करने लगा। इस दौरान साइमा और उबैद की सिर्फ फोन पर बातें होती रही। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उबैद के मोबाइल पर एक मैसेज आया कि उबैद ने वलायत में नौकरी के लिए जो तजवीज पेश की थी उसे मंजूरी मिल गई है। इस खबर को सबसे पहले उसने साइमा को सुनाया और उबैद ने कहा, मैंने आज अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया है और मुझे यकीन है कि अल्लाह जो अजल मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता करेंगे। ये खबर सुनकर साइमा बे इंतहा खुश हुई, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक गम सता रही थी कि उबैद अपने काम में मसरूफ होकर मुझे भूल न जाए। आखिर वो दिन आ ही गया। उबैद विलायत में एक सीनियर इंजीनियर के ओहदे पर फायज हो गया और अपने काम में इस तरह मसरूफ हुआ कि उसे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। और इधर साइमा सुबह से शाम तक उसके कॉल के इंतजार में बैठी रहती और हर वक्त उबैद की कामयाबी और खुशी के लिए दुआगो रहती। मुलाजमत के एक हफ्ता गुजर जाने के बाद उबैद का कॉल आया और कहता है, साइमा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है और सैलरी भी काफी अच्छी है। साइमा दबी दबी आवाज में कहती है, आपको मेरी याद नहीं आती, मैं तो हर वक्त आपको याद करती हूँ, आपके कॉल का इंतजार मैं बहुत शिद्दत से कर रही थी। उबैद कहता है, मैं क्या करूँ, काम के उलझन में मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, मगर मुझे आज वीकेंड पर जैसे ही फुर्सत मिली सबसे पहले तुमसे बात कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ और महीने गुजर गए और ये दूरी दोनों की मोहब्बत को और गहराई में उतारती चली गई। साइमा हर रोज इसी तरह कॉल का इंतजार करती रही, मगर उबैद शायद मसरूफियत की वजह से साइमा को वक्त नहीं दे पाता और साइमा अंदर ही अंदर तड़पती रहती और हर रोज सोचती कि मैं आज अपने दिल की बात उबैद से कह दूंगी, लेकिन कुछ घर वालों का डर और कुछ उबैद के इनकार के डर ने साइमा को हर बार इजहार से रोक दिया। उबैद को विलायत में 2 साल गुजर गए। अब वो कुछ ही दिनों में वापस आने वाला था। उबैद ने अपने दिल की सारी दास्तान आते ही अपने वालदैन को सुनाया और उबैद के वालदैन को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, वो अपने बेटे की खुशी में खुश थे। उबैद वापस आने के बाद सबसे पहले साइमा के घर निकाह की तजवीज लेकर जाने वाला था और ये बात उसने साइमा को नहीं बताई थी क्योंकि उसे सरप्राइज देना चाहता था। अचानक आने वाली वो खुशी साइमा के चेहरे पर देखना चाहता था, लेकिन साइमा की उदासी इस 2 साल के अरसे में दिन ब दिन और गहरी होती चली गई और उसे अंदर से बहुत कमजोर कर दिया।
साइमा पर इंतजार का एक एक लम्हा बहुत भारी हो गया था। उसकी जुदाई ने उसे दीमक की तरह चाट गई। वो बिस्तर पर पड़ी सिसकिया लेती रहती। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। आखिरकार वो बिस्तर से इस तरह चिमट गई कि बस। साइमा का इंतजार आज खत्म हो गया, लेकिन उबैद की जिंदगी में एक ऐसी इंतजार की घड़ी शुरू हुई जो कभी ना खत्म होने वाली थी। वाबस्ता जब से नाम हुआ, तुम्हारे नाम से वाबस्ता जब से नाम हुआ, हमारा जिक्र भी महफिल में सुबह शाम हुआ। बहुत खूब। बाखुदा अब मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा अब मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। बाखुदा अब मुझे। आज जब मैं घर लौट रही थी तो मेरा जहन में सर की अफसाना घूम रहा था। मॉब लिंचिंग पर बहुत उम्दा अफसाना था। अचानक मेरी नजर एक मजमे पर टिक गई। मॉब लिंचिंग का गुमान हुआ। कुछ लोग बेदर्दी से एक नौजवान को पीट रहे थे। लात घूंसों की बारिश हो रही थी। वो नौजवान अधमरा होकर गिर पड़ा। इत्तफाक से पेट्रोलिंग वैन का गुजर हुआ और सिपाहियों ने नीम मुर्दा जान को हसार में ले लिया। दौरान तफ्तीश से ये मालूम हुआ कि वो शख्स पेशावर मुजरिम नहीं है। अपनी भूख की शिद्दत पर इसने इस मैडम का बैग उड़ा लिया था। नौजवान बयान दे रहा था, 3-4 रोज से मैं फाके में हूँ। घर पर छोटी बहन भी भूखी प्यासी पड़ी है। पुलिस का आमला इसे लेकर घर पहुंचा। वहां उसकी छोटी बहन मुर्दा पड़ी हुई थी। है ताबीर ख्वाब की। बंजर जमीन, तपती रेत, चार तरफ वीरानी ही वीरानी, सर पर खून आलूद शफक का सायबान, और फर्श पे हर जगह गोश्त के छोटे बड़े चेतरे बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर के लिए मैं ठिटका कि आखिर मैं कहां हूं, कहीं सच में आज रोजे कयामत तो नहीं। मैं हांफता कांपता घर की जानिब लपका के तभी अचानक साइमा की तेज आवाज ने मुझे नींद से बेदार कर दिया और मैं लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ते हुए झट बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। क्यों, क्या हुआ, सब खैर तो है ना? मेरी पेशानी पर फैली शिकनों को देखकर उसने पूछा, कहां कुछ सब ठीक है? मैं साइमा के इस सवाल पर झेप सा गया। आखिर बताता भी तो क्या कि मैं अभी अभी ख्वाब में किन हालात से गुजरा हूँ, और वैसे भी औरतें मोम की मरियम होती हैं, खा कितनी लायक फायक ही क्यों ना हो, पर होती तो एक सिंफ नाजुक ही हैं। तो फिर धड़कनें बुलेट ट्रेन की सी रफ्तार से क्यों भाग रही हैं? साइमा मुझसे बगलगीर होकर गोया हुई, अम्मा छोड़ो यार, चलो चलो जल्दी लैपटॉप ऑन करो, जरा देखूं तो आज के आंकड़े क्या बता रहे हैं। मैंने उसे टाला और फिर फ्रेश होकर हाथों में लेपी उठाए डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। ओ नो साइमा, ये तो गजब हो गया। कल रात शहर में कोरोना वायरस पॉजिटिव 40 ही अफराद थे, पर अभी अभी ये आंकड़े सैकड़े की दहलीज पार कर रहे हैं। मैंने किचन में मसरूफ साइमा को सुबह की ताजा तरीन खबर सुनाकर आगाही दी। क्या खुदा, ये क्या गजब हो गया, अब तो ही कोई रास्ता निकाल मेरे मौला, लिल्लाह तेरे सिवा कोई चारा नहीं। साइमा दोनों हाथ उठाए दरबारे इलाही में गिड़गिड़ाने लगी। मैं झट उठा और तैयार होने के लिए कमरे में चला गया। एक दो
लकमा तो पेट में डाल लें, फिर चलते हैं। साइमा ने भूख का हवाला दिया। तुम्हें लुकमे की पड़ी है, न जाने अस्पताल में अब तक कितने लोग लुकमे अजल हो गए होंगे। अभी हमें अपने पेट से ज्यादा इनकी सांसों का ख्याल होना चाहिए। मैं ये कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और ड्राइवर को गैरेज से गाड़ी निकालने की हिदायत की। फिर हम दोनों मियां बीवी ने अस्पताल की जानिब गाड़ी दौड़ा दी। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर साइमा आ गईं। अब तादाद अमवात की शरह घटेगी। हमें देखकर अस्पताल के हरकारों में खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब तक हम दोनों मियां बीवी ने कमोबेश 20 से जायद कोरोना पॉजिटिव की जान बचाई थी, गोया डूबते को तिनके का सहारा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस रोज भी 2-4 को छोड़कर तमाम अफराद जां बहक होने से रह गए। देर रात घर लौटकर हम दोनों मियां बीवी ने नमाज पंजगाना के साथ साथ शुक्राना भी अदा की कि या अल्लाह तूने हमारी और हमारे पेशे की लाज रख ली। और थके हारे होने के बायस जल्द ही बिस्तर पर आ गए। लेटते ही आंख लगी तो क्या देखता हूँ कि फिर वही सुर्ख आसमान की साहिबानी है। धरती रेत है और हर तरफ खामोशी ही खामोशी, मगर इस बार मैं अकेला नहीं बल्कि साइमा भी मेरे शाना बशाना है। मैं घबराकर उठ बैठा। रात के तकरीबन 2:30 बजे होंगे। साइमा पर निगाह डाली तो वो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा अच्छा मौका है, क्यों ना तहज्जुद अदा कर लूं, और फिर बावजू होकर तहज्जुद की अदायगी में मसरूफ हो गया। पर न जाने क्यों दिल एक अनजाने खौफ से सहमा जा रहा था, जैसे अचानक कोई अनहोनी होने वाली हो। बमुश्किल खुद को संभाला और फिर से साइमा के बगलगीर होकर सोने की एक नाकाम सही करने लगा। मगर नींद तो जैसे आंखों से ओझल हो गई थी। घंटों कमरे की छत से मुसल झूमरों को निहारता रहा, मगर दूसरे ही पल दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वक्त की कदर की जाए और इस कीमती वक्त को कुरान की तिलावत की नजर कर दूं। इस तरह तिलावत की तिलावत भी हो जाएगी और फजर की नमाज की अदायगी भी। चलो साइमा को भी उठाए देता हूँ ताकि इसे भी फजर नसीब हो जाए, क्योंकि इस वबाई दौर में सिर्फ नमाज ही निजात का जरिया है। मैंने साइमा को आहिस्तगी से हिलाया। उस वक्त इसका नब्ज पंडोलम वाली घड़ी की तरह तेजी में ढोल रहा था। ओहो, मुझ में उठने की ताकत नहीं आ रही, अल्लाह मुझे माफ करे। और न जाने क्यों हलक में सांसें भी अटक रही हैं, कहीं मुझे भी तो। साइमा ने कपाती आवाज में जवाब दिया, अरे नहीं नाउज बिल्ला, ऐसा नहीं हो सकता। बस कल की तकान की वजह से थोड़ी कमजोरी लग रही होगी, मगर दिल ही दिल में मैं समझ गया कि ये सचमुच कोरोना वायरस की ही अलामत है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो चलो अस्पताल चलकर जांच करवा लो। मैंने इसे तशफी दी, पर मुझे यकीन था कि मेरी ये तशफी बेसूद साबित होगी, क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों से कोरोना वायरस पॉजिटिव को देखता चला आ रहा था और कहीं ना कहीं साइमा को भी खदशा लाहक हो गया था कि अब इसकी सांसें और टिकने वाली नहीं, क्योंकि इन 15 दिनों के तमाम केसेस में वही तो मेरी असिस्टेंट रही थी। सर, रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर साइमा कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं और वो भी आखिरी स्टेज में। उन्हें जल्द अज जल्द वेंटिलेटर पर रखना होगा। खून जांच वाले ने मुझे ये इत्तला दी। मैं क्या बताऊं कि मेरी हालत उस वक्त उस परिंदे की सी हो गई जिसके सारे डैने कुतर कर उसे परवाज के लिए उकसाया जाए। सीने पे पत्थर रखकर मैंने साइमा को वेंटिलेटर रूम तक पहुंचाया और दूसरे ही पल अल अमीन ट्रस्ट का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं डॉक्टर आरिफ बोल रहा हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद आपकी ट्रस्ट को दान करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों डॉक्टर आरिफ, आपने अचानक ऐसा फैसला क्यों ले लिया? अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। अल अमीन ट्रस्ट के मालिक यासिर इमाम मेरे अच्छे दोस्तों में शुमार होते थे। मेरे इस अचानक फैसले से वो थोड़ा परेशान हुए, लेकिन दूसरे ही पल मेरे जवाब ने उन्हें कदरे मुतमईन कर दिया। साइमा वेंटिलेटर पर है और मेरे इम्कानात भी कुछ खास बेहतर नहीं, और जैसा कि आप बजा तौर पर वाकिफ हैं कि हम लावल्द हैं, फिर हमारे बाद हमारी ये जायदाद किसी के काम आ जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। यासिर इमाम से बात करते करते ही मुझे गले में खराश महसूस हुई और मुझे लगा कि मेरे ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। दूसरे ही पल मैं भी साइमा के बगल वाले वेंटिलेटर पर था और लेटे लेटे सोच रहा था कि मेरे दादा ने कभी मुझे बताया था कि ख्वाब में सुर्ख आसमान देखना आलायम की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम।